अस्सलाम वालेकुम। ये रिव्यू है असाइनमेंट नंबर 4 का। असाइनमेंट नंबर 4 में हमने एक सिम फ्लडर अटैक जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करना था। तो सबसे पहले इसका कोड, इसको बनाते हुए कोशिश की गई है कि कोई भी थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरी है उसको एम्बेड ना किया जाए, बल्कि जो पाइथन की अपनी बिल्टिन लाइब्रेरीज हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाए। तो ये शुरू में रेलेवेंट इंपोर्ट्स हो गए सॉकेट्स और स्ट्रक्ट, और उसके बाद जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ये वैलिडेट कर रहा है सबसे पहले कि हमारा जो कमांड लाइन है वहाँ से हमें रिक्वायर्ड पैरामीटर प्रोवाइड किए गए हैं कि नहीं। और रिक्वायर्ड पैरामीटर क्या है कि हमने टारगेट देना होता है कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं और उसे किस पोर्ट पे टारगेट कर रहे हैं, यानी कि सिन जो फ्लड अटैक है वो आपने भिजवाना है तो किस टारगेट को भिजवाना है और उसे किस पोर्ट पे भिजवाना है, ठीक है। तो अगर ये वैलिडेट ना हो तो ये प्रोग्राम एग्जिट कर जाता है, अगर ये वैलिडेट हो जाए तो उसके बाद ये क्या करता है कि ये एक सॉकेट क्रिएट करता है, और अगर सॉकेट क्रिएट करते हुए अगर कोई इशू आता है तो वो एरर देके एग्जिट हो जाता है, अदरवाइज आगे प्रोग्राम प्रोसीड कर लेता है। उसके बाद यहाँ से ऑनवर्ड ये प्रोग्राम पैकेट क्रिएट करना शुरू करता है, और इसमें वो टारगेट और पोर्ट कमांड लाइन से जो आर्गुमेंट दिए गए हैं उसके थ्रू उठा लेता है। जो टारगेट का आईपी है वो चेक करता है कि आपने अगर तो आईपी दिया है तो फिर तो वो आईपी सेव हो जाता है, और अगर आपने उसका होस्ट नेम दे दिया है तो होस्ट नेम को ट्रांसलेट करता है आईपी में और वो जाके माय टारगेट आईपी के वेरिएबल में सेव करा लेता है। और सोर्स आईपी फिलहाल हमने यहाँ पे 192.168.1.101 रखा है, लेकिन इसको हम कुछ भी रख सकते हैं। इवन हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे गेट होस्ट बाई नेम करके, फॉर एग्जाम्पल हम अगर AU की एड्रेस दे देते हैं तो बेसिकली वो अटैक के अंदर जो सोर्स आईपी आना शुरू हो जाएगा वो AU की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है AU.edu.pk का वो शो होना शुरू हो जाएगा। एनीवे यहाँ पे हम कोई भी रैंडम एड्रेस भी दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आईपी की जो हेडर है उसको क्रिएट करता है, उसके अंदर डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स हैं जिनको वो रेलेवेंट वैल्यूज असाइन कर रहा है, और उसके बाद ये IPv4 का एक पैकेट जनरेट कर रहा है, और आईपी हेडर नाम के वेरिएबल में इन सारे वेरिएबल्स को इस प्रॉपर उस वो जो TCP का जो हेडर का फॉर्मेट है उसके अंदर लेकर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आईपी हेडर बनाने के बाद ये TCP का हेडर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। TCP का हेडर क्रिएट करने के बाद ये यहाँ पे ये एक कंप्लीट TCP का हेडर जिसके अंदर उसके डिफरेंट तरह की सोर्स डेस्टिनेशन सीक्वेंस एक्नॉलेजमेंट सीक्वेंस और ये सारी चीज़ें डाल के TCP का हेडर बना लेता है। जब ये हेडर बन जाते हैं तो उसके बाद अब ये बनाता है यहाँ पे जो अगला उसका जो स्टेप है पैकेट का, जो कि पूरा एक जो हमारा पैकेट आगे फॉरवर्ड होना है वो बनाने के लिए रेलेवेंट सोर्स और टारगेट आईपी को लेकर उसको प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद उसके ऊपर चेकसम क्रिएट कैलकुलेट करता है। चेकसम कैलकुलेट करने का भी कोड यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ये, तो ये इसको वो पैकेट भिजवाता है और उस पैकेट के मुताबिक जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक चेकसम क्रिएट होता है, और चेकसम क्रिएट होने के बाद वो आकर यहाँ पे इसको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे फिर अब वो सारे के सारे चीज़ों को एक स्टैंडर्ड वे में जो भी पैकेट का फॉर्मेट होता है उसके मुताबिक इनको अरेंज करते हैं, ठीक है, जितने फ्लैग्स वगैरह हैं। और फ्लैग में आप देखिए कि हमने यहाँ पे सिर्फ सिन को एक्टिव किया हुआ है, ठीक है, फ्लैग्स के अंदर बाकी सारे जो
फ्लैग्स हैं वो इस वक्त ज़ीरो वैल्यू के साथ हैं, सिर्फ सिन जो है उसको हमने बंद किया हुआ है। तो ये काम करने के बाद इसको फाइनली एक पैकेट मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने एक इनफाइनाइट लूप बना के इस पैकेट को, जो एक हमने पैकेट बनाया है, इसको लूप की फॉर्म में हम भिजवाना शुरू कर देते हैं। और फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन या इस असाइनमेंट के लिए, मैंने यहाँ पे इस पैकेट को जो भी हम भिजवा रहे हैं और कितनवा पैकेट भिजवा रहे हैं वो एक काउंटर लगा के, उसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा दिया है ताकि हमें विजुअली नज़र आए कि ये पैकेट जा रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं, इस प्रोग्राम को चला कर देखते हैं। मैं ज़रा स्क्रीन का साइज बड़ा कर दूँ और इसका फ़ॉन्ट भी। ओके, तो ये हम ट्राई करने लगे हैं इसको google.com की पोर्ट नंबर 80 के ऊपर। और इसके साथ मैं करता ये हूँ कि वायरशार्क को चला के, ठीक है, इसको मैं एक्टिव मोड में भी ले आता हूँ ताकि ये जो भी पैकेट भिजवा रहा है ये हम यहाँ पे वायरशार्क में दिखना भी शुरू कर दें। तो ये यहाँ पे हमने वायरशार्क एक्टिव कर लिया और यहाँ पे मैं ये अटैक चलाता हूँ। तो ये देखें, ये पैकेट भिजवाना शुरू कर दिए इसने। और ये वायरशार्क में हम जाते हैं तो ये देखें, ये इसके अंदर के पैकेट्स को कैप्चर कर रहा है, ठीक है, और ये पैकेट मुसलसल भिजवाता जा रहा है। मैं यहाँ पे वायरशार्क को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ। हम इसके ज़रा शुरू में आते हैं जहाँ से ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई थी। तो देखिए, हमने google.com को ये अटैक करने की कोशिश की थी पोर्ट नंबर 80 पे। तो बात शुरू हुई है, ये इसने DNS की क्यूरी भिजवाई है google.com के लिए, ठीक है। कि चूंकि जब मैंने इसको कहा कि अटैक करो google.com पे, तो इसने सबसे पहले ये किया कि इसने एक DNS रिक्वेस्ट भिजवाई google.com के लिए और उसका इसको रिप्लाई आया होगा रिस्पांस में यहाँ पे। और इसने बताया है कि जो google.com का ए रिकॉर्ड है वो है 216.58.209.142, ये गूगल का आईपी है। तो ये DNS की रिक्वेस्ट थी और ये DNS का रिप्लाई है जिसमें हमें google.com का आईपी मिल गया। उसके बाद अब क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो 192.168.1.101 जो कि हमने आईपी सोर्स का दिया हुआ था, वहाँ से ये देखें 216.58.209.142 जो कि गूगल का बेसिकली आईपी था जो कि हमें DNS सर्वर ने रिटर्न किया था, उसके ऊपर ये देखें, ये फिर अब उसने अटैक जनरेट करना शुरू कर दिए। ये देखें, पैकेट सारे के सारे वो ले जा रहे हैं, ठीक है, हमारे आईपी से इस वाले आईपी पे। और उसके बाद हम अब जाकर देखते हैं अपने अटैक विंडो को जो कि मुसलसल चल रही है। तो देखिए, अभी इतनी सी देर में, इसको मैं कंट्रोल सी से रोक देता हूँ, इतनी सी देर में इसने 380,292 पैकेट्स ये भिजवा चुका था गूगल वाले उस आईपी के ऊपर, सिन वाले पैकेट्स, ठीक है। तो ये था हमारा डेमो सिन फ्लड वाले प्रोग्राम का।